ऑप्शन पार्ट सीरीज 5। इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुट ऑप्शन के लिए एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। फर्ज करो कि स्टॉक 500 रुपए पे है और आपने 500 रुपए का ही स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो वो हुआ एट द मनी पुट ऑप्शन। दोस्तों, पुट ऑप्शन ये एक बेरिश इंस्ट्रूमेंट होता है, तो अगर स्पॉट 500 रुपया है और आपने अगर 500 के ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की तो वो ऑलरेडी इन द मनी होगी, क्योंकि जो चीज अभी 500 रुपए पे है वो आप 510 पे बेच रहे हो, यानी ऑलरेडी इन द प्रॉफिट हो आप, इसलिए वो हो गया इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। और अगर आपने 500 का स्पॉट है और उसके नीचे वाला पुट ऑप्शन ट्रेड किया या सिलेक्ट किया तो उसे आप कहेंगे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। दोस्तों, ये था ऑप्शन सीरीज पार्ट 5। ऐसे ही बहुत सारी ऑप्शन की टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो ये सीरीज देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। हम ये पार्ट्स हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को अपलोड करेंगे, तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय फॉर नाउ।